हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डी बी प्रो एजुकेशन। मैं आई एम डी आर एक्स विकास और आप देख रहे हैं डी बी प्रो एजुकेशन परिवार। तो आप सभी का डी बी प्रो एजुकेशन परिवार में हार्दिक स्वागत एंड हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, RUHS BSc नर्सिंग 2024 की एग्जाम डेट फिक्स हो चुकी है। एग्जाम डेट उसकी फिक्स हो चुकी है। न्यू अपडेट है टूडे का। खुशखबरी आपके लिए होने वाली है, बहुत ही बेहद खुशखबरी होने वाली है। जितने भी स्टूडेंट्स को BSc नर्सिंग जो कर रहे हैं RUHS यूनिवर्सिटी से, बहुत टाइम से इंतजार हो रहा था कि हमारी एग्जाम डेट जारी हो जाए, एग्जाम डेट जारी हो जाए, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और आप और मैं आपको बहुत अग्रिम बधाइयां देना चाहूँगा कि आपके एग्जाम है वो और भी बेहतर हो, और भी बेस्ट हो। आपकी प्रिपरेशन है वो और भी थोड़ी अच्छी आप बढ़ा दें। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही हो तो आप उस प्रिपरेशन को थोड़ी और भी अपनी जी जान लगाकर थोड़ी प्रिपरेशन और भी अच्छी कर लें, ताकि आपका RUHS एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए और आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिल सके, अच्छे से अच्छी रैंक आप प्राप्त कर सके। तो सबसे पहले कहना चाहूंगा, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो न्यूज नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, और हमारा टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल डी बी प्रो एजुकेशन आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहाँ से आपको सारी न्यूज़ नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन सारी वहाँ से मिल सके, लाइव क्लासेज की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल सके। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में, आज की इस लाइव में मैं आपको बताऊँगा कि आपके एग्जाम डेट कब होने वाली है, कब आपका एग्जाम फिक्स हुआ है। वन बाई वन में सारी चीज़ें आपकी डिस्कस करूँगा। ठीक है, आपके लिए जो खुशखबरी है एग्जाम डेट्स की उसके बारे में, प्लस में आपके जो भी शेड्यूल्स है उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा, आपके प्रिपरेशन है उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो बने रहना प्यारे बच्चों वीडियो के एंड तक, बिना स्किप करते हुए मैं सारी इन्फॉर्मेशन वन बाई वन आप तक पहुँचाऊँगा। ओके, और आपको एग्जाम डेट है वो लगभग फिक्स हो चुकी है। ठीक है, आपकी एग्जाम डेट लगभग फिक्स हो चुकी है, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। और हाँ, आपके फर्स्ट रैंक से लेकर 3000 तक की रैंक के बच्चों को टॉप कॉलेज मिलने वाली है RUHS की। आपको मालूम होगा कि आपके फर्स्ट रैंक से कहाँ से फर्स्ट रैंक से और 3000 तक के रैंक वाले स्टूडेंट्स को टॉप कॉलेजेस RUHS की, जो कि बहुत टॉप कॉलेजेस है, वो कॉलेजेस अलॉट होने वाली है। ठीक है, सो प्लीज़ मेहनत करना। मैं इस बार आपको लोगों को यह भी 3000 की जो रैंक है ना, मैं इस बार आप लोगों को इन 3000 की रैंक में देखना चाहता हूँ। आप जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं ना, उनमें से आप सभी को मैं 3000 की रैंक में से देखना चाहता हूँ कि आपका भी 3000 की रैंक में नाम हो। और मैं आपको एग्जाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, आपको कैसे क्या करना होगा। अब चलते हैं भाई हमारे टॉपिक की तरफ, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपका वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, आपके टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे फर्स्ट में तो आपका टॉपिक आप देख लीजिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं RUHS BSc नर्सिंग का पेपर पैटर्न। सबसे पहले तो आपको मैं पेपर पैटर्न बता देता हूँ कि आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है। आप सभी को मालूम होगा, ऑलरेडी अवेयर होंगे आप इस चीज़ के बारे में। ठीक है प्यारे बच्चों, आप देखिए यहाँ पे पेपर पैटर्न, जिसमें आपके फिजिक्स के कितने क्वेश्चन हैं, आपके 33 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के उसके बाद में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 33 क्वेश्चन, उसके बाद में आपको बायोलॉजी के 34 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और आपके टोटल क्वेश्चन होंगे, टोटल क्वेश्चन आपके कितने होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे आपके। कितने क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे आपके, 100 नंबर के। कितने, 100 क्वेश्चन होंगे आपके, 100 नंबर के। न्यू पेपर पैटर्न है प्यारे बच्चों ये, ठीक है, RUHS का। और इसमें नो नेगेटिव मार्केटिंग, यानी आपकी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रखी गई है। तो आपके लिए सबसे बहुत ही बेहतरीन खुशखबरी आपके लिए यह है कि आपके RUHS की राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है कोई भी एग्जाम्स में। ठीक है, तो आपको प्यारे बच्चों वहां पे सारे क्वेश्चन हल करने होंगे, आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ के आने होंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप अगर क्वेश्चन छोड़ के आते हो तो आप बहुत बड़ी गलती करते हो। ठीक है, आपको क्वेश्चंस नहीं छोड़ के आने हैं वहाँ पे, बिल्कुल भी सारे क्वेश्चंस हल करने, चाहे क्वेश्चन आए नहीं आए, जो क्वेश्चंस आते हैं उनको सबसे फर्स्ट में बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर आप सारे क्वेश्चंस हल करें। लेकिन जो क्वेश्चंस नहीं आते उनमें आप लास्ट में टिक जरूर लगा के आए, जो भी आपको लग रहा है सूटेबल आंसर। ठीक है, आपकी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रखी गई है प्यारे बच्चों, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप क्वेश्चन छोड़ के आओ, हो सकता है अगर आप क्वेश्चन करके आओ तो आपके एक दो क्वेश्चन सही हो जाए, तो आपके नंबर बढ़ जाए और आपको टॉप से टॉप कॉलेज अलॉट हो सके। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपकी ये इन्फॉर्मेशन तो सबसे फर्स्ट में आपके पेपर पैटर्न की नहीं। ठीक है, अब चलते हैं आगे की आपके सिलेबस की तरफ। आपका सिलेबस देखिए, सिलेबस आपका रहने वाला है 12th का PCV न्यू NCERT सिलेबस। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सिलेबस आपका कौन सा रहने वाला है, 12th का, 12th क्लास का ओनली 4 आपका सिलेबस रहने वाला है PCV फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। कौन सा, PCV यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का आपका 12th क्लास का सिलेबस रहने वाला है। टोटल 100 नंबर का आपका सिलेबस होगा। ठीक है, 100 नंबर का आपका पेपर होगा, 100 नंबर की आपकी
एग्जाम्स होगी जिसमें आपका एक क्वेश्चन वन क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, वन क्वेश्चन वन मार्क्स का आपका होगा। इसमें नो नेगेटिव मार्किंग, यानी नेगेटिव मार्किंग पे आपका एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा। अगर आप सही उत्तर देते हो तो आपको एक नंबर मिलेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये न्यू एनसीईआरटी सिलेबस है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं न्यू एनसीईआरटी सिलेबस, जो कि यूनिवर्सिटी ने पिछले में अब भी है ना आप लोगों की मेहनत से, प्लस में हमारा भी सपोर्ट और आपका भी सपोर्ट, आप सबके सपोर्ट से है ना यूनिवर्सिटी पर नया सिलेबस डलवाया है। पिछली बार अभी क्या किया था, जब ये एग्जाम फॉर्म आए थे तब यूनिवर्सिटी ने पिछला सिलेबस एनसीईआरटी का उठाकर डाल दिया था, और जो स्टूडेंट्स ट्वेल्थ पास आउट करके आ रहे हैं जिन्होंने ट्वेल्थ में वो चैप्टर्स पढ़े ही नहीं थे, उन्होंने पुराना वाला डाल दिया था, ठीक है। तो आपकी मेहनत से, आपके सपोर्ट से नया सिलेबस जारी हो चुका है। मैंने उस सिलेबस पर आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिया, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है प्यारे बच्चों तो आप जाकर वीडियो देखिए आपका क्या सिलेबस रहने वाला है न्यू एनसीईआरटी सिलेबस, ठीक है। क्योंकि आप अगर पहले वाले सिलेबस को पढ़ेंगे तो उसमें करीबन 8 से 10 चैप्टर आपके टोटल सब्जेक्ट्स में पीसीबी में एक्स्ट्रा दिए गए थे, ठीक है। और आपका न्यू सिलेबस जो लागू हुआ है उसमें आपके चैप्टर्स हटा दिए, इनको कट करके आपका न्यू एनसीईआरटी सिलेबस लागू हुआ है, ठीक है। पीसीबी का ओनली फॉर ट्वेल्थ क्लास की पीसीबी आपको देखने को वहाँ पे मिलती है, ठीक है। और आप देखते हैं आगे आपके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं भाई। नेक्स्ट टॉपिक आपका देखिए क्या है, नेक्स्ट टॉपिक आपका देखिए भाई आपके करेक्शन, आपका ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट हुआ था। आपका ऑनलाइन आवेदन आपका 25 जून से आपका स्टार्ट हुआ था शाम 5 बजे से। आपके दोस्तों देखिए आपके फॉर्म में वो लास्ट डेट आपकी 16 थी, ठीक है, 16 थी आपकी लास्ट डेट। जिन भी स्टूडेंट्स ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो वो लास्ट 16 तक वो कर सकते हैं। बाकी आई होप आपने सबने फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा, क्योंकि इतना वेट आप नहीं करेंगे, मेरे को पता है, क्योंकि लास्ट में जाके कभी कभी सर्वर भी डाउन होने लगते हैं, इसलिए आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें रहने वाली है, वो रहने वाली है आपकी ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि और भूल सुधार, यानी आपकी कोई आवेदन करते समय कोई गलती होगी आपसे तो आप उसमें सुधार कर सकते हो प्यारे बच्चों। तो आपका वो पोर्टल है सुधार करने के लिए, वो पोर्टल कब ओपन होगा, आपका 16 तारीख आपके फॉर्म की लास्ट डेट है तो आपका पोर्टल ओपन होगा, वो होगा 19 से 20 तक, यानी कि आपका पोर्टल है वो एक दिन के लिए ओपन होगा ओनली फॉर प्यारे बच्चों, एक दिन के लिए आपका पोर्टल ओपन होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 19 से 20 तक, ठीक है। आपने अगर कोई भी बाई मिस्टेक हो गई हो, आपसे कोई गलती हो गई हो तो आप उसे सही कर सकते हो प्यारे बच्चों, आपके लिए फैसिलिटी उपलब्ध है, ठीक है। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट, हमारे क्या एग्जाम्स रहने वाले हैं, कब एग्जाम्स रहने वाले हैं, मेन टॉपिक हमारा एग्जाम डेट क्या होने वाली है उसकी तरफ हम चलते हैं, बात करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। वन बाय वन सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करा रहा हूँ, तो देख लिया आप फॉर्म की लास्ट डेट, आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे शो हो रही होगी आपको फॉर्म की लास्ट डेट क्या रहने वाली है प्यारे बच्चों। लास्ट डेट रहने वाली फॉर्म की वो रहने वाली है 16 जुलाई, जो कि मैंने आपको अभी बताया नोटिस में। और आपकी एंट्रेंस एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम प्यारे बच्चों अगस्त के लास्ट सेकेंड वीक में आपकी एंट्रेंस एग्जाम रहने वाली है, अगस्त के सेकेंड वीक में, सेकेंड वीक का जो संडे है उसमें आपकी एग्जाम रहने वाली है। आपकी एग्जाम डेट फिक्स हो चुकी है, लगभग आपकी एग्जाम डेट बिल्कुल फिक्स हो चुकी है प्यारे बच्चों, बिल्कुल एक्यूरेट डेट मैं आपको बता रहा हूँ आपके एग्जाम्स कब होंगे, ठीक है। या तो आपके एग्जाम्स होंगे प्यारे बच्चों, देख लीजिए आपको पता है आपके 16 तारीख तक फॉर्म फिल किए जा रहे हैं, आपको ये तो पता है, उसके बाद में 19 से 20 तक आपका करेक्शन विंडो ओपन होगा, यानी एक दिन का, तो 20 तारीख तक तो यूनिवर्सिटी कुछ करेगी नहीं। 20 के बाद में अगर यूनिवर्सिटी 2-4 दिन लेती है अगर आपका एग्जाम डेट शेड्यूल जारी करने में, तो दोस्तों लगभग 24-25 तक आपका शेड्यूल है वो जारी हो जाएगा 24-25 तक, यानी आपकी एग्जाम डेट है वो लगभग फिक्स है आपकी, या तो फर्स्ट वीक में आपकी संडे को होगी 4 अगस्त को, या फिर आपकी 4 अगस्त को नहीं होगी ना तो 101% आपकी 11 अगस्त तो श्योर मान के चलो प्यारे बच्चों। मैं बिल्कुल आपको एक्यूरेट डेट बता रहा हूँ, एक्सपेक्टेड डेट बिल्कुल आपकी एग्जाम है वो 11 अगस्त को फिक्स है प्यारे बच्चों। तो आपकी जैसी भी प्रिपरेशन चल रही हो आप उसमें जी जान लगा दे और अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल अच्छी कर ले, ठीक है। आपके मान के चलो आपके 20 दिन का प्लानिंग टोटल बचा है, आपके टोटल 20 दिन बचे हैं, आपके एग्जाम फिक्स मान के चलो 11 अगस्त की, ठीक है। आपकी एग्जाम फिक्स मान के चलो 4 को नहीं हुई तो श्योर है आपकी एग्जाम 11 अगस्त को होगी। आपके पास में टोटल दिन बचे हैं कितने प्यारे बच्चों, आपके पास में दिन बचे हैं टोटल 20, कितने दिन बचे हैं आपके पास में टोटल दिन बचे हैं आपके पास में 20, ठीक है। अब 20 दिन में आप अगर एक एक चैप्टर भी क्लियर करोगे ना प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री का एक आप फिजिक्स का कंप्लीट कर लीजिए, एक आप बायो का कंप्लीट कर लीजिए, अगर आप तीनों सब्जेक्ट्स में से एक एक चैप्टर भी रोज़ की निकालोगे ना तो आपका आराम से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आप आराम से सिलेबस को कवर कर सकते हो आपकी, ठीक है। आपका सिलेबस है वो आसानी से आप कवर कर सकते हो और आपका अच्छी एग्जाम्स में अच्छे आपके मार्क्स ग्रहण कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लो, अपने आप को इन 20 दिनों में इतना स्ट्रॉन्ग कर लो अपनी पूरी ताकत लगा दो कि आपका सिलेक्शन हो जाए। आपको मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छा सा अच्छा बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिले, फर्स्ट जो 1 से 3 हज़ार तक की रैंक है उसमें आपका नाम मैं देखूं, ठीक है, मैं उसमें मैं आपका नाम है वो देखूं, ओके।
आपके जुलाई लास्ट वीक में बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेम वालों की एग्ज़ाम से आपको पता होगा कि आपके फर्स्ट सेम वालों की एग्ज़ाम है कहाँ पे, जुलाई लास्ट वीक में। तो जुलाई लास्ट वीक में तो आपके एग्ज़ाम्स होने वाले नहीं है, तो आपके एग्ज़ाम्स की वो डेट है वो फिक्स है लगभग आपके, है ना। या तो 4 अगस्त को आपका एग्ज़ाम होगा, 4 को नहीं तो प्यारे बच्चों 11 अगस्त को, तो आपका श्योर है कि आपका एग्ज़ाम होगा। पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो प्यारे बच्चों। आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हों तो आपको हमारे चैनल के साथ में जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि आपको MCQ क्वेश्चंस, आपको मैराथन क्लासेज यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी आपको प्यारे बच्चों। बीएससी नर्सिंग के एंड में बिल्कुल मैराथन क्लासेज आपकी प्रोवाइड की जाएंगी, आपको टेस्ट तैयार की जा रही है, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के प्रोवाइड कराए जाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के आपको MCQ क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो प्यारे बच्चों अगर आप DB प्रो एजुकेशन के साथ में नहीं जुड़े हो तो प्यारे बच्चों जल्दी से DB प्रो एजुकेशन के साथ में जुड़ जाइए, क्योंकि यह एकमात्र चैनल आपके लिए बहुत बेहद अच्छा होने वाला है। आपको बहुत ही जल्दी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराने वाले हैं और बहुत ही जल्दी आपकी महा मैराथन क्लासेज लगाए जाने के लिए तैयारियां चल रही है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अपने आप को तो बिल्कुल स्ट्रांग कर लो प्यारे बच्चों, और आपको बहुत ही जल्दी आपको इस चैनल पर आपको टेस्ट सीरीज टेस्ट देखने को मिलेंगे। मैं आपको जैसे टेस्ट आएंगे मैं तुरंत आप तक पहुंचाने का काम करूंगा, ठीक है। अगर आपका कोई भी छोटा बड़ा भाई बहन बीएससी नर्सिंग, जीएस, जीएनएम, नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल की तैयारी करना चाहता है तो उसको DB प्रो एजुकेशन के बारे में बताइए, आप उसको भी DB प्रो एजुकेशन के साथ में जोड़िए प्यारे बच्चों, ताकि वो भी अच्छे ढंग से प्रिपरेशन कर सके। अगर आप अभी तक आप नहीं जुड़े हो तो आप भी जुड़ जाइए, आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हो DB प्रो एजुकेशन, ठीक है। DB प्रो एजुकेशन टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, आपको हेल्पलाइन नंबर मैंने दिए हुए हैं, अगर कोई भी इंक्वायरी करनी है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हो प्यारे बच्चों। DB प्रो एजुकेशन परिवार ने आपको सारी फैसिलिटीज उपलब्ध करा रखी है, ठीक है। तो पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया प्यारे बच्चों, पढ़ते रहो आगे बढ़ते रहो, ठीक है। और मैं कामना करता हूँ आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा, और आपकी प्रिपरेशन है उसको और भी स्ट्रॉन्ग कर लो। आपकी एग्जाम डेट है वो लगभग मैंने बता दिया, फिक्स हो चुकी है, ठीक है प्यारे बच्चों। आपका इंतजार है वो भी खत्म हो चुका है, तो आप अगर DB प्रो एजुकेशन के साथ में जुड़कर अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो प्यारे बच्चों जल्दी से जुड़ जाइए। आपको बहुत ही जल्दी मैं टेस्ट सीरीज लेकर आने वाला हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की, बहुत ही जल्दी आपकी महा मैराथन क्लासेज लगाई जाएंगी, ठीक है प्यारे बच्चों। चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका नेक्स्ट वीडियो आप जो कमेंट करोगे उसके ऊपर आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा, आप जो कमेंट करके जाओगे, जो बच्चों की डिमांड होती है उस डिमांड के अकॉर्डिंग इस चैनल पर वीडियोज लाए जाते हैं। तो आप जो कमेंट करके जाओगे उसके साथ में मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।